फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 11 शॉर्ट स्टोरीज का एक चैप्टर जिसका नाम है ड्रॉट, ड्रॉट का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगा। पार्ट 2 इतना ज़्यादा इमोशनल था कि उसको एक्सप्लेन करने में मैं थोड़ा रुआसा भी हो गया था, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं शूट कर पाया। अब इस पार्ट में मैं स्टोरी को पूरा कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। सच इम्पोर्टेंस सीम्ड इनटॉलरेबल टू द मैसेंजर। इम्पोर्टेंस का अर्थ है धृष्टता, इनटॉलरेबल का अर्थ है असहनीय, मैसेंजर का अर्थ है संदेशवाहक। ऐसी धृष्टता संदेशवाहकों के लिए असहनीय थी। ऐसा जान पड़ा कि संदेशवाहकों के लिए यह धृष्टता असहनीय थी। इट इज मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग, ही रोड कॉलिंग द मैन अगली नेम्स। वह जो संदेशवाहक था उसने गरजते हुए कहा, रोड का अर्थ है गरजना, उसने गरजते हुए कहा कि मालिक का आदेश है कि तुम्हें घसीट कर लाया जाए। ड्रैग का अर्थ है घसीट कर लाना और तुम्हें और तुम्हारी अच्छी पिटाई की जाए। थ्रेसिंग का अर्थ है पिटाई। कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उस व्यक्ति को भद्दे भद्दे शब्द कहते हुए, भद्दी भद्दी गालियां देते हुए। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम। गफूर दूसरी बार फिर आत्मनियंत्रण खो दिया। वी आर नो बॉडी स्लेव, हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट, ठीक वैसा ही, ठीक उसी भाषा में जवाब देते हुए जिस भाषा में संदेशवाहक ने कहा था, ठीक उसी भाषा में गफूर ने कहा कि हम लोग किसी के गुलाम नहीं हैं। वी पे रेंट टू लीव हियर, हम लोग यहाँ पे रहने का किराया चुकाते हैं। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा। बट इन दिस वर्ल्ड इट इज नॉट ओनली फुटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील द अथॉरिटी। लेकिन इस संसार में एक प्रभावशाली के सामने अपनी बात कहना व्यर्थ ही होता है। फुटाइल का अर्थ है व्यर्थ, प्रार्थना अपील का अर्थ है, और अथॉरिटी मतलब प्रभावशाली लोग, शक्तिशाली लोग। इट इज डेंजरस एज वेल, यह बहुत ही खतरनाक होता है। फॉर्चुनेटली द टीनी वॉयस सेल्डम रीचेज बिग ईयर्स आर हु नोज व्हाट माइट हैपन। सौभाग्य से ही कभी छोटी आवाजें, छोटे लोगों की बातें बड़े कानों तक या प्रभावशाली लोगों तक पहुंच पाती हैं। हु नोज व्हाट माइट हैपन, कौन जानता है कि फिर क्या होता है। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स एंड क्वाइटली ले डाउन, जब गफूर जमींदार के घर से लौटा तो चुपचाप लेट गया। हिज फेस एंड आईज वेयर सोलेन, उसका चेहरा और आंखें फुली हुई थीं। सोलेन का अर्थ है फुला हुआ, सूजा हुआ। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश व्हेन गफूर लेफ्ट होम द मॉर्निंग। महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टीथर एंड इंटरिंग द ग्राउंड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स ही ईटन अप द फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन। द चीफ कॉज ऑफ सो मच सफरिंग, इस अत्यधिक कष्ट का जो कारण था, मुख्य कारण था, वाज महेश था। व्हेन गफूर लेफ्ट होम दैट मॉर्निंग, जब उस सुबह गफूर ने घर छोड़ा था। महेश ब्रोक लूज फ्रॉम हिज टीथर, महेश अपने रस्से को तोड़ाकर छुड़ाकर भाग लिया था।
एंड इंटरिंग द ग्राउंड ऑफ द लैंडलॉर्ड, और जमींदार के जमीन में, जमींदार के खेत में घुस गया था. हैड ईटन अप द फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, और वहाँ जाकर फूलों को और वहाँ पे खड़े मक्के को जो सूर्य के प्रकाश में खड़े थे उसको खा गया था. When finally they tried to catch him, और जब उन लोगों ने महेश को पकड़ने का प्रयास किया, he had hurt the landlord's youngest daughter, तब महेश ने जमींदार की सबसे छोटी पुत्री को चोटिल कर दिया. And had escaped, और बच निकला. This was not the first time this had happened. यह जो हुआ था यह पहली बार नहीं हुआ था. But Gafoor was forgiven because he was poor. लेकिन गफूर को क्षमा कर दिया जाता था क्योंकि वह गरीब था. If he had come round and so on other occasion, और अगर इस बार भी वह दूसरी घटनाओं की तरह, दूसरे अवसरों की तरह आया होता, begged for the landlord's forgiveness, और जमींदार से क्षमा की याचना की होती, he would probably have been forgiven, बहुत हद तक संभावना होती कि उसे क्षमा कर दिया जाता. But instead he had claimed that he paid rent, लेकिन इसके बजाय उसने कह दिया कि वह तो किराया चुकाता है. And that he was nobody's slave, और वह किसी का गुलाम नहीं है. This was too much for Sibu Babu, यह सब बातें Sibu Babu के लिए बहुत बड़ी थी. The जमींदार to swallow Gafoor had borne beating and torture without protest. यह जमींदार Sibu Babu के लिए बहुत बड़ी बात थी. इसको इस बात को स्वीकार लेना, इस बात को पचा जाना. गफूर हैड बोर्न, बोर्न का मतलब है सहन करना, बीटिंग मतलब पिटाई, टॉर्चर मतलब पताड़ना, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध. तो गफूर ने पिटाई और प्रताड़ना को सहा बिना किसी विरोध के. एट होम, और घर पर. टू ही ले इन कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, और घर पर वह एक कोने में पड़ गया, लेट गया बिना कुछ कहे. अंगर एंड थर्स्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख प्यास को वह भूल चुका था. बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, और उसके अंदर उसका हृदय धधक रहा था ठीक वैसे ही जैसे कि बाहर सूरज धधक रहा था. ही हैड केप्ट नो काउंट ऑफ हाउ टाइम पास्ट, उसे इस बात का भी ध्यान नहीं था कि कितना समय गुजर गया. ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ ए लिस्टलेसनेस बाई ए सिक ऑफ ए गर्ल. लिस्टलेसनेस का अर्थ है तंद्रा से जाग जाना, सिक का अर्थ है चीख. वह अचानक ही एक लड़की की चीख से, अपनी तंद्रा से जागा, सजग हुआ. सी वाज प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड, और वह लड़की जमीन पर गिर गई थी. प्रोस्ट्रेट का अर्थ है गिर जाना. द पिचर विच सी हैड बीन कैरिंग टम्बल्ड ओवर, और वह लड़की जो घड़ा लेके आई थी वह भी गिर गया था. टम्बल का अर्थ है गिर जाना. एंड महेश वाज सकिंग अप द वाटर एज इट फॉलोड ऑन द अर्थ, और जो महेश था, बैल था, वह उस पानी को चाटने लगा, पीने लगा जो जमीन पे फैल गया था. गफूर वाज कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड, गफूर पूरी तरह से संज्ञा शून्य हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया. विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट, बिना एक क्षण का इंतजार किए, ही सीज्ड हिज प्लोहेड ही हैड लेफ्ट द डे बिफोर फॉर रिपेयर, उसने अपने हल को, प्लोहेड का अर्थ है हल का जो सिरा होता है, उसको उठाया जिसने एक दिन पहले रिपेयर के लिए दिया गया था. एंड
With both hands struck violently on the bent head of Mess, और अपने दोनों हाथों से उस बैल के सिर पर बहुत ही आक्रामक तरीके से, भयावह तरीके से दे मारा। Once only Mahesh attempted to raise his head, केवल एक बार महेश ने अपने सिर को उठाने का प्रयास किया, but immediately his starving, lean body sagged to the ground, लेकिन तुरंत ही उसके भूख ने उसके शरीर को गिरा दिया जमीन पर। सैग्ड का अर्थ है गिरा देना। A few drop of blood from his ears rolled down, उसके कान से खून की कुछ बूंदें निकली बाहर बाहर के आईं। His whole body soaked once or twice and then stretching the fore and hind legs as far as they would reach, Mahesh fell dead. उसका जो पूरा शरीर था एक या दो बार थोड़ा सा हिला था, थोड़ा सा कांपा था, फिर उसने अपने अगले और पिछले पैरों को फैलाया, स्ट्रेचिंग द फोर एंड हाइंड लेग्स, अपने अगले और पिछले पैरों को फैलाया, एज फार एज दे वुड रीच, जितना जल्दी वे लोग वहां तक पहुंचते, महेश फेल डेड, महेश मर चुका था। व्हाट हैव यू डन फादर, पिताजी आपने क्या कर डाला, और महेश इज डेड, हमारा महेश मर गया है। अमीना बस्ट आउट वीपिंग, अमीना फपक की रो पड़ी। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर हिल भी नहीं सका और ना कुछ जवाब दे सका। ही रिमेन्ड स्टार्टिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बीडी ब्लैक आई, वह उसी तरह से उस बिना पलक को झुकाए गतिहीन और बीडी का अर्थ है मोती जैसी या गोल गोल काली आंखों को देखता रहा, घूरता रहा। बिफोर टू आवर्स वेयर आउट द टैनर लिविंग एट द इन ऑफ विलेज केम क्राउडिंग इन एंड कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पोल्स, दो घंटे पहले ही टैनर्स मतलब चर्मकार लिविंग एट द इन ऑफ विलेज, जो गांव की किनारे पर रहते थे, गांव के अंत छोर पर रहते थे, वे कुछ भीड़ में आए, कुछ लोगों का ग्रुप बना के आए और महेश को बांस के पोल्स पर, बांस के खम्भों पर लाद कर चले गए। सडनिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइफ्स इन देयर हैंड्स, सडनिंग मतलब लहराता हुआ, नाइफ्स का अर्थ है चाकू, उनके हाथों में चमचमाते हुए चाकू लहरा रहे थे। गफूर क्लोज हिज आई बट डिड नॉट स्पीक, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर ली पर कुछ नहीं कहा। द नेबर्स इन्फॉर्म हिम दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड सेंट फॉर तर्करत्न टू आस्क फॉर हिज एडवाइस, पड़ोसियों ने बताया कि जो जमींदार है उसने तर्करत्न को तुम्हारे पास भेजा है ये जानने के लिए, पूछने के लिए कि तुम्हारी क्या सलाह है, तुम्हारा क्या कहना है। हाउ वुड गफूर पे फॉर द पेनेंस विच द किलिंग ऑफ ए सेक्रेट एनिमल डिमांडेड, आखिर गफूर उस पवित्र जानवर की हत्या के कारण पश्चाताप के लिए क्या कुछ चुकाएगा। पेनेंस का अर्थ है पश्चाताप, तो जो उस निर्दोष और पवित्र जानवर को उसने मार डाला है तो उस पश्चाताप के रूप में क्या कुछ चुकाएगा। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स, इन बातों पर गफूर ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी जवाब नहीं दिया, बट रिमेन्ड स्क्वेटिंग विथ हिज चीन रेस्टिंग ऑन हिज नीज, स्क्वेटिंग का अर्थ है बैठा रहा, लेकिन वह अभी भी अपने अपने चेहरे को अपने घुटनों पर रखकर बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो, प्री अमीना आओ चलते हैं, सेट गफूर ब्राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ नाइट, डेड ऑफ नाइट का अर्थ है रात के सन्नाटे में। प्रिय अमीना आओ चलते हैं कहते हुए गफूर ने अपनी पुत्री को उठाया, जगाया, जो कि रात के सन्नाटे का समय था,
सी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड. वह आंगन में सो चुकी थी. वेयर फादर, उसने पूछा, कहाँ पिताजी? सी आस्क्ड, उसने पूछा, रबिंग हर आईज, अपनी आंखों को मलते हुए. टू वर्क एट द जूट मिल एट फुल बेरे, सेड द फादर. पिता ने जवाब दिया कि जूट मिल में काम करने के लिए फुल बेरे में. द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलियसली. इनक्रेडुलियसली का अर्थ है अविश्वास के साथ. तो उस लड़की ने गफूर को बिल्कुल ही अविश्वास के साथ देखा. दो आल हिज मिजरी ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फुल बेरे. अपनी सभी परेशानियों के बावजूद वह फुल बेरे जाने की बात को हमेशा नकारता रहा था. नो रिलीजन, नो रिस्पेक्ट, नो प्राइवेसी फॉर वुमेन फॉर देयर. क्योंकि गफूर के अनुसार वहाँ पर ना तो कोई धर्म था, ना कोई सम्मान था, ना औरतों के लिए कोई प्राइवेसी या एकांत ही था. सी हैड ऑफन हर्ड हिम से, उसने अपने पिता से यह बात कई बार सुनी थी. हरी अप माई चाइल्ड, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो, सेड गफूर. गफूर ने कहा, मेरी बच्ची जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाना है. अमीना वॉज गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंकिंग बाउल एंड हर फादर्स ब्रास प्लेट. अमीना जा रही थी उस कटोरे को और जिसे पानी पिया करती थी, और अपने पिता के पीतल की थाली को लेने के लिए. लीव देम एलोन डार्लिंग, प्री बच्ची उसको छोड़ दो. दे विल पे फॉर द पेनेंस ऑफ महेश, सेड गफूर. गफूर ने कहा कि वे लोग जो आएंगे महेश के पश्चाताप के रूप में इसको वसूल लेंगे. इन द डेड ऑफ नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड. रात के सन्नाटे में गफूर ने अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए चल दिया. ही हैड नोबडी टू कॉल हिज ऑन इन द विलेज. गांव में उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था. उसके पास गांव में अपना कोई नहीं था. ही हैड नथिंग टू से टू एनीबॉडी. उसे किसी से कुछ भी नहीं कहना था. क्रॉसिंग द यार्ड, आंगन को पार करते हुए. व्हेन ही रीच्ड द एकेसिया, जब वे उस बबूल के पेड़ के पास पहुंचे. ही स्टॉप्ड स्टॉक स्टिल एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली. स्टॉक स्टिल का अर्थ है कि पैर जम गए. वहां पर वह रुका और उसके पैर वहां पे जम गए और वह चिल्ला पड़ा बहुत तेजी से. अल्लाह, ही सेड रेजिंग हिज फेस टूवर्ड्स द स्टार स्पैंगल्ड ब्लैक स्काई. स्टार स्पैंगल्ड का अर्थ है तारों से सज्जित ब्लैक स्काई, काले आसमान की तरफ. तो उसने अल्लाह कहा अपने हाथों को उठाते हुए और अपने चेहरे को उस काले आसमान की तरफ करते हुए जिसमें सितारे सुसज्जित थे, सितारे टिमटिमा रहे थे. पनिश मी एस मच एस यू लाइक, मुझे उतनी सजा दो जितना तुम चाहते. महेश डाइड विद थर्स्ट ऑन हिज लिप्स. महेश मर गया, प्यासा ही मर गया. नोबडी लिफ्ट इवन द टीनिएस्ट बिट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन. किसी ने उसके लिए एक छोटा सा, थोड़ा सा जमीन भी नहीं छोड़ा था जहाँ पे वह जाके कुछ खा पी सकता, चल सकता. प्लीज नेवर फॉरगिव द लैंडलॉर्ड सीन्स. कृपा करके उस जमींदार के पापों को कभी क्षमा मत करना. हु नेवर लेट हिम ईट एंड ग्रास नॉर ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन. क्योंकि तुमने जो खाना पानी दिया है इस दुनिया में, उसको उसने कभी किसी को खाने या पीने नहीं दिया. दे सेट आउट फॉर द जूट मिल. उसके बाद वे लोग जूट मिल के लिए चल पड़े.